बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित होटल संचालक दंपति और मीडिया कर्मी को अपने साथ लेकर शाहपुरा थाने पहुंचे। जीतू पटवारी ने एसपी मयंक खंडेलवाल से कहा कि होटल संचालक के सिर में 7 टाके आए हैं, 307 का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ, पत्रकार के FIR क्यों नहीं लिखी गई, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की हमें जानकारी नहीं है, जाँच के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और TI साहब से हमारी चर्चा होगी। आज के समाचार पत्रों मीडिया में ज्वलंत मुद्दा है कि सरकार के एक मंत्री के परिवार के लोगों ने आतंक मचा दिया और बेटा फ्री घूम रहा है। मंत्री जी थाने में आए, उन्होंने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मीडिया के हिसाब से हमें पता चला, सुबह मुझसे संपर्क किया गया विवेक ने कि भैया मेरे साथ ये पत्रकार है, मीडिया जगत के व्यक्ति है, इन्होंने कहा मेरे साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, मेरी FIR नहीं लगी। मैंने इनसे कहा कि आप पुलिस में चले जाए, फोन पे जो बात हुई उसमें, इन्होंने कहा मैंने सब प्रयास कर लिया तो भी नहीं लिखे। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत सही कह रहा है, मैं खुद पहुंचाता हूँ। TI साहब से बोला, 3 पक्ष है, शुरुआत मुझसे हुई थी, फिर जिन्होंने मुझे बचाया, उनके सिर में 8 टाके आए हैं। तो जो आरोपी है मंत्री के पुत्र, उनके ऊपर FIR हुई है, लेकिन 307 नहीं लगी। थाने में बैठ के पुलिस कर्मियों को मेरे सामने धमकाया और यहीं से गए वापस, और बाहर भी धमका रहे हैं। FIR नहीं हुई है, इसमें महिला उत्पीड़न का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा हुआ है। ये बहन के अलग से जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण सूचना के अंतर्गत थाने में FIR होनी थी वो अलग से नहीं हुई, इसका भी हमने SSP से भी बोला। अब आप बताओ क्या हुआ, जरा आप बताओ। उन्होंने मुझ पे हमला करा, मुझे पूछताछ भी करी, मैं बिल्कुल भागी हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता हूँ। इतने सारे वो लोग नशे में, लड़के लड़कियां गाड़ी में थे कि वो मैं बस अपनी जान बचा के भागी। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है, ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ, और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए बैठे। अभी भी डर लग रहा है आपको? कुछ भी डर लग रहा है, पद का गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो मंत्री का बेटा है और वो बस थाने में भी हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, हम देख लेंगे तुम्हारा रेस्टोरेंट देख लेंगे। थर्ड ये है, तो इनका कहना ये है कि हमें अगर ये हालात ही रात को ये पूरी घटना SFP साहब से बात की, उन्होंने कहा हम पुलिस प्रोटेक्शन में इनको लेके आए, इनको कोई खतरा नहीं होने दी, इसका मतलब इनको फिर से सिक्योरिटी चाहिए। इनको अभी ये रेस्टोरेंट चलाएंगे फिर मारपीट होगी, कौन जिम्मेवार होगा? थर्ड ये मेन आदमी है जिनके सर में 7 टाके आए हैं, जो आप लोगों ने मीडिया ने भी बताया है, इस पे 307 बनती है पर 307 नहीं हुई। ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा, तो मैं मानता हूँ आपत्तिजनक है, इनको मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल करानी चाहिए, प्राइवेट कंप्लेन भी करना चाहिए। अव्वल ये अव्वल ये घेरा है, देखो अब ये अपने आप में गवाह बोल रहा है। अभी मैं कांग्रेस पार्टी का निर्णय ये है या धर्म ये है कि मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री, आपकी अराजकता मध्य प्रदेश की जज जाहिर होने लगी। अगर इस तरीके से आप गृह मंत्रालय चलाएंगे, आपका पूरा मध्य प्रदेश परिवार होना चाहिए। इस तरह के दुर्व्यवहार, पक्षपात, पुलिस को 4 लोगों को सस्पेंड किया गया अखबार के हिसाब से, मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है। इधर आतंक मचा है, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? अगर पुलिस को भी सस्पेंड किया, कांग्रेस पार्टियां थाने के सामने धरना देगी अगर पुलिस को सस्पेंड किया तो? ये गलत तरीका है। अगर पुलिस का मनोबल घटा हुआ रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, तो क्या संभव है कि आप कानून व्यवस्था सही रख सकते हैं? घोर आपत्ति है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, मैं उनको आज इस पूरी घटना का पत्र लिख रहा हूँ और इनके साथ न्याय की गुहार कर रहा हूँ। ये इस तरह की अराजकता मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, मैं मानता हूँ इस पर अंकुश लगाना चाहिए। धन्यवाद।